दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस न्यू एपिसोड में। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला ऑफलाइन में कि सर, क्या कोई ऐसा सेंटेंस है जो विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब के बन सकता है? तो ये तो एकदम पहले ही मर्तबा में समझिए बोल दिया जाए कि भाई कोई सब्जेक्ट और वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। लेकिन वाकई मेरे दिमाग में एक बात क्लिक कर गई। 3-4 दिन बाद मुझे वो बात याद थी, तो मैं भूल गया था। मैंने कहा हाँ, हो सकता है। वो तरीका है इंटरजेक्शंस के द्वारा। इंटरजेक्शन दोस्तों वो शब्द होते हैं जिनके द्वारा तमाम प्रकार की फीलिंग्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं आपके साथ में। 5 प्रकार की कैटेगरी है जिसमें हर सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं और बिना सेंटेंस के, बिना सेंटेंस बनाए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट के विदाउट भी हम सेंटेंस में बोल सकते हैं। जो फीलिंग सेंटेंस में आती है उसे वर्ड्स में बोल सकते हैं। तो इंटरजेक्शन कुछ ऐसे ही शब्द होते हैं जिसमें बहुत सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है, ये बिना सेंटेंस के बोले जाते हैं। अगर कहीं पर आपको कोई चीज़ ऐसा बोलना हो, जब आपको एक शब्द में बोलना हो, वाकई में ऐसा कोई भी पूछ सकता है कि एक ऐसी भी इंग्लिश होती है जिसमें हम सेंटेंस में नहीं बोलते हैं बल्कि वर्ड्स में बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर ले लीजिए, किसी भी मकान के बगल में या मकान के ऊपर या सामने कहीं पर एक अगर तख्ती लटकी हुई है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ छोटे बोर्ड में, ठीक है, अगर लिखा हुआ टू लेट, TOLET, टू लेट, तो टू लेट का मतलब है दुकान पर अगर वो लटका हुआ है, ठीक है, साइन बोर्ड, अगर टू लेट लिखा है इसका मतलब दुकान किराए के लिए खाली है, मकान में है तो मकान किराए के लिए खाली है, कोई अगर बड़ा सा गाला बना हुआ है या बड़ा सा कोई भी बिल्डिंग है उसमें कोई अगर आपको कॉरिडोर मान लीजिए या कोई भी उसमें हॉल है वो खाली है, आगे लगा हुआ टू लेट, तो इसका मतलब किराए के लिए खाली है। तो इतना बड़ा सेंटेंस बोलने के लिए कि मकान किराए के लिए खाली है केवल 2 वर्ड की ज़रूरत है, टू लेट, इसका मतलब किराए के लिए खाली है। तो वैसे ही वाकई में विदाउट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंसेस बनते हैं। तो वो वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंग्लिश में सीखते समय स्टार्टिंग में इनको सीखना बेहद ज़रूरी है। मैंने 24 वर्ब्स आपको पहले सिखा दिया है जो अलग अलग सिचुएशन पर आप बता सकते हैं। अब स्टार्टिंग वहाँ से कर रहे हैं जहाँ पर आपको ग्रामर का ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि उतार चढ़ाव ऐसे ही सीखने मज़ा आता है। थोड़ा सा रूल में विदाउट रूल के मिक्स करके होता है, मिक्स एंड मैच्ड टेक्निक पर आधारित हमारी इंग्लिश है। देखिए यहाँ पर वर्ड है हुर्रा। अब जॉय प्रकट करने के लिए, खुशी व्यक्त करने के लिए, अगर हम खुश हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग अगर खुश हैं, हैप्पी मूड में हैं, तो हम जॉय प्रकट करने के लिए हुर्रा बोलेंगे। हुर्रा इसका मतलब खुश हैं। अपने खुशी के लिए ये मत बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। आप इतने बोलो हुर्रा तो सामने वाला समझ जाएगा बंदा खुश है। अगला है ग्रेट। ग्रेट भी होता वाव, क्या बात है भाई, ग्रेट, बहुत अच्छा काम आपने किया, ग्रेट। किसी भी लाइन में, किसी भी सेंटेंस में सामने वाले ने बोला मैं पास हो गया, ठीक है, मैंने UPSC क्रैक कर दिया, मैंने नीट क्रैक कर दिया, ठीक है, या मैंने जो है JEE का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? वाव, वाव होगा, ग्रेट होगा, या थैंक्स, आपने ऐसा किया, हम लोगों को उम्मीद थी आप लोगों, आपने ऐसा कर दिया, थैंक्स, है ना। तो ये जो चीज़ें होती, एक वर्ड होता है ये समझ लिए पूरा सेंटेंस का काम करता है। अब कोई मैच जीत गया, उसने बोला हुर्रा, आगे आप पूरा बोल सकते हैं, इसको लगाने के बाद आप असर्टिव सेंटेंस बना सकते हैं अफर्मेटिव में, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, खुशी की बात है, वी हैव वॉन द मैच, ग्रेट यू डिड वेल, या ग्रेट यू वॉन द मैच, बहुत अच्छे तुम मैच जीत गए, तो ग्रेट करके यू वॉन द मैच कर देंगे तो भी आ जाएगा। अगर यू वॉन द मैच नहीं करना चाहते आप, सामने वाला तो मैच जीत ही चुका है ना, आपको ये नहीं बोलना है कि शाबाश तुमने मैच जीत लिया, तो आप ग्रेट बोल सकते हैं, वो समझ जाएगा कि हाँ इन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है या हमारा जो है इन्होंने अप्लाज किया है। अब सेकंड जो सिचुएशन वो है ग्रीफ, यानी दुख व्यक्त करने के लिए। दुख व्यक्त करने के लिए आपको बोलने की बात नहीं, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी टू सी दिस सिचुएशन, और आप ये बोल सकते हैं आई एम वेरी सॉरी टू सी द हैपनिंग्स फॉर मी, मेरे सामने जो घटना घटी उसको देखकर बहुत दुखी हूँ, या आई एम सो सॉरी अबाउट हियरिंग योर फादर्स डेथ, ऐसा कुछ बोलने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिर्फ इतना बोलेंगे अलास, अलास, अलास ही इज डेड, अलास ही इज डेड, दुख की बात है वो मर गया है। अब अलास का मतलब क्या होता है, इसका ग्रुप ऑफ वर्ड समझेंगे तो अलास का मतलब है इट इज़ वेरी सैड, इट इज़ वेरी सैड, बहुत दुख की बात है। यानी किसी ने कहा भाई उसके पिताजी गुजर गए, अब आप बोलना यार बड़ी दुख की बात है ये, तो आप इतना बोल दीजिए अलास, अब पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपने देख लिया है थंबनेल पर, वाकई में ये सत्य बात है, मैच कर रहा है ना वो चीज़, बराबर सत्य है, गुमराह करने कोशिश तो नहीं किया,
क्लिक बेट थंबनेल बनाया नहीं ना, सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं, केवल इतना बोलो अलास बस, और चाहो तो पूरा बोल दो, है ना। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड भी बोलते हैं लोग दुख व्यक्त करने के लिए, ओ माई गॉड यानी कैसे हो गया ये, ओ माई गॉड बोलेंगे भाई वो तो चोट खा गया, ही गॉट हर्ट, है ना, या रोड पर जा रहा था उसको चोट लग गई, या उसकी कोई घटना घट गई उसके साथ में ऐसा, तो आप ओ माई गॉड भी बोल सकते हैं, ओ माई गॉड इट्स वेरी सैड ऐसा करके बोल सकते हैं। नहीं पूरा बोल सकते तो ओ माई गॉड कर सकते हैं, या सो सॉरी हेयरिंग अबाउट दिस ऐसा भी बोल सकते हैं, या सो सॉरी टू हेयर अबाउट दिस। तो सो सॉरी माने बोलता बहुत दुख की बात है, सामने वाला कोई चीज़ बता रहा है और आपने बोल दिया सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, है ना। आपने टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, अक्सर जो है डायलॉग जो है हीरोइन या हीरो बोलते हैं सो सॉरी, यानी बड़ी दुख की बात है। आगे व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट अ ट्रेजेडी का मतलब होता है क्या दुखद घटना है, व्हाट अ ट्रेजेडी, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं इंटरजेक्शंस का जिसके थ्रू हम लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला है हाउ ट्रैजिक, हाउ ट्रैजिक कितनी दुख की बात है, कितनी दुखद घटना है, हाउ ट्रैजिक बस इतना सा बोलना है, और इसको अनपढ़ भी व्यक्ति बोल सकता है भैया, इसको अनपढ़ भी कोई भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बोल सकता है, छोटा बच्चा भी बोल सकता है, पढ़ा लिखा नहीं उसको बता दो कि ये वर्ड बोल दो आप जा करके, आराम से बोल देगा, या बोलेंगे घर में लोग दूसरे सीखेंगे सो सॉरी, कोई चीज़ गड़बड़ हो गया आपसे आई एम सो सॉरी, इतने बोलना है सो सॉरी, ठीक है। अगला देखिए ओह नो, अब ओह नो भी दुख व्यक्त करने के लिए होता, अचानक से जब चौंक गए तो ओह नो यानी बड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अगला है हाउ सैड, हाउ सैड यानी कितनी दुखद घटना है, हाउ सैड। ये एक्सप्रेशंस आप बोल सकते हैं जिनमें सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तीसरा देखते हैं हम लोग क्या एक्सप्रेस करने के लिए, सरप्राइज, सरप्राइज व्यक्त करने के लिए यानी आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, जब आप सरप्राइज व्यक्त करते हैं, ठीक है, कोई वंडरफुल सिचुएशन होती है जिसमें आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कोई चीज़ देख करके, तो क्या बोलते हैं व्हाट, क्या, जैसे किसी ने कहा नहीं कि भाई वो बिल्डिंग तो कोलैप्स्ड हो गई, बिल्डिंग तो गिर गई, या किसी ने बोला वहाँ पर कोई घटना घट गई, तो आप बोलेंगे व्हाट, क्या, ऐसा चौंक करके, वो मर गया, ठीक है, वो मर गया, क्या बोलेंगे व्हाट, क्या, ऐसा। तो हम लोग व्हाट के जरिए भी सरप्राइज एक्सप्रेस कर सकते हैं, आह करके भी कर सकते हैं, आह, चाहे पूरा सेंटेंस बोलें चाहे आह बोल देंगे तो सेंटेंस में आ गया कि आपने कोई घटना सुना और आपने उस पर अपना एक्सप्रेशन व्यक्त किया। लेकिन एक बात बारीकी से ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों में तब होगा जब सामने वाले की जो परेशानी है ना वो सामने वाला बोल रहा हो, जो स्पीकर है ना अपनी बातों बोल रहा हो, आपको यहाँ पर रिएक्शन में उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है कि भाई वो घटना हुई उसका रिएक्शन आप कैसे दे रहे हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं इंटर्न, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड को आप दुख और सरप्राइज में भी बोल सकते हैं, ओ माई गॉड, है ना, ऐसा हो रहा है, आश्चर्य की बात है, ओ माई गॉड यानी ये कैसे हो गया, ठीक है, इतना बड़ा प्लेन था क्रैश कैसे हो गया, ये आ रहा धुआं धुआं जल करके उसके सारे परखच्चे उड़ रहे हैं। अगला है माई गुडनेस, माई गुडनेस बहुत ज़्यादा बोला जाता है, माई गुडनेस, आप हंस हंस कर लोट पोट हो रहे हैं, आपको आश्चर्य हो रहा है, बहुत परेशान हो गए, ठीक है, पेट दुख रहा है आपका हंसते हंसते, माई गुडनेस आप ये बोल सकते हैं कि हे भगवान, माई गुडनेस मीन्स हे भगवान, तो हे भगवान बोलते हैं, हे भगवान तुमने ऐसा कर दिया, या हे भगवान ऐसी घटना घट गई, हे भगवान कोहराम मचा हुआ है, कोई भी आश्चर्य की बात हो तो माई गुडनेस बहुत ही बढ़िया चलता है, ठीक है। और वो माई गॉड तो पुराने ज़माने का, वो तो अपने बुजुर्गों का जो है देन है, पूरा ठप्पा लगा दिए पुराने ज़माने का है। चलिए अगला है देखिए फैंटास्टिक, फैंटास्टिक ये सरप्राइज में आप बोलेंगे, सरप्राइजिंग मूड में बोलेंगे, फैंटास्टिक मतलब विलक्षण जिसे बोलते हैं, अद्भुत, है ना, फैंटास्टिक, कोई घटना घटी बढ़िया ज़बरदस्त, बोले यार फैंटास्टिक घटना हो गई, चंद्रमा चंद्रयान पहुंच गया चंद्रमा पर, तो क्या हो गया, फैंटास्टिक इवेंट, है ना, फैंटास्टिक इवनिंग्स, ऐसा बोलेंगे आप कि भाई बहुत अच्छी घटना है ये, इस तरह से फैंटास्टिक हैपनिंग्स, आई एम सो सॉरी इवनिंग्स बोल दिया। चलिए वाव, वाव भी जो आता है वो आश्चर्य में आता है, वाव आश्चर्य की बात है, आपके सामने कोई मदारी वाला कुछ खेल दिखा रहा है, उसने ऐसा दिखाया कि आपको यकीन नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ, एंड यू जस्ट से वाव, आप तुरंत बोल देते हैं। इज इट, ये बहुत बढ़िया है, इज इट ऐसा है क्या, इज इट सो ऐसा है क्या, ये एक्सप्रेशंस हो गए। ये मेरी सीरीज चल रही दोस्तों, एक महीने से मैं देख रहा हूँ, एक गड़बड़ ये हुआ था बीच में, आपको इंटरप्ट करा, सॉरी फॉर दैट। देखिए बीच में हमने हमारे एक एक वीडियो पर 500 व्यू आए हैं, एक दिन में 500 व्यूज आते थे, मुझे आज भी दुख है कि उसको और अपलिफ्टमेंट होना चाहिए था, बूस्ट होना चाहिए था, लेकिन डाउन हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्ट में एकदम बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश का एकदम जबरदस्त चैनल बना दिया था,
उस पर बहुत सारे वो लोग आ रहे थे जिनको अच्छी तरह से इंग्लिश आती थी और वो केवल अपने प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, लेकिन वहीं पर काफ़ी लोगों ने बताया कि आप जीरो लेवल से अंग्रेज़ी सिखाइए, बिल्कुल नीचे सिखाइए, और नीचे सिखाएंगे धीरे 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 करके आपके चैनल पर जो है बहुत सारे कंटेंट ऐसे पड़े रहेंगे कि जो इंसान ज़ीरो लेवल चाहता है, जिसे कुछ नहीं आता बेसिक लेवल से, वो भी सीखने में सक्षम हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने वापस डाउन किया है। तो आप लोगों का सहारा अगर रहा, आप लोगों ने अगर बढ़िया मदद किया, हेल्प किया, तो ये चैनल आपका है, ये ज़रूर बूस्ट होगा, मुझे उम्मीद है। तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, वीडियो लाइक भी जरूर करना मत भूलिएगा, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा कि हाँ ये कैसा लग रहा है आपको, ये सीखने की प्रक्रिया किस तरह से लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पड़ाव पर, और चार नंबर पर आते हैं हम लोग, ऑन कंसेंट। ऑन कंसेंट का मतलब सहमति व्यक्त करने के लिए, कंसेंट राजी होना, ठीक है, अग्री होना किसी चीज़ पर, अपनी सहमति जताते हैं। तो फिर एक लहजा होता है बोलने का, सहमति जताने का, और ये अंग्रेज़ों का बनाया रूल है, इसको आपको भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट इट, क्योंकि अंग्रेज़ों के जैसा शिष्टाचारी विनम्र कोई भी नहीं है। हर चीज़ में वो सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ बोलते हैं, तो मुझे उम्मीद है उनसे जरा सा कंधा भी आपका लड़ गया कहीं भी तो सॉरी बोल देता आदमी, ठीक है। जरा सा आपने उसको कुछ थोड़ा सा भी एक पता बता दिया, एड्रेस बता दिया, तो थैंक यू बोल देते हैं वो लोग। तो बहुत ही विनम्र जो है लैंग्वेज हमारी ये है, इसे इन सब एक्सप्रेशंस को सीखना बेहद ज़रूरी है। इनमें से कोई भी एक अगर आप सीख लेंगे, जो मैंने चार पाँच बताया हर कैटेगरी में, कोई एक आपको सीखना बस, तो ये बिना सेंटेंस का भी आप अपना काम वो कर जाएंगे, कमाल कर जाएंगे, अपना इंप्रेशन सामने वाले पर छोड़ जाएंगे। चलिए, तो सहमति व्यक्त करने के लिए, मान लो कहीं पर कि मैच जीत गए, इंडिया और पाकिस्तान में मैच था, मान लो किसी भी देश में था, और इंडिया अगर जीत गई तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेवो। अब ब्रेवो क्या होता है, अप्लाज देने के, एडमिरेशन करने के लिए, सामने वाले की तारीफ करने के लिए बोला जाता है कि ब्रेवो या वेल डन, ब्रेवो या वेल डन। ये जो वेल डन लिखा ना, वेल डन, इसका भी मतलब होता है ब्रेवो, यानी शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो मैच जीत गया, कोई सफलता मिल गई है ना, तगड़ी सफलता मिल गई, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको हृदय से जो है अपनी सहमति जाहिर करेंगे, हाँ भाई हम लोग भी आपके साथ हैं, ठीक है, हम खुश हैं आपके, हम शुभचिंतक हैं। तो ब्रेवो या प्लीज़, प्लीज़ करके भी सहमति हम लोग जताते हैं ना, प्लीज़ करके कब जताते हैं, उसने बोला नहीं कि सर मैं ये आपकी पेन यूज़ कर सकता हूँ, कुड आई यूज़ दिस पेन, तो आप बोलेंगे प्लीज़, प्लीज़, यस, श्योर, ऐसा लोग बोलते ना, तो प्लीज़ आपको कुछ नहीं बोलना, ये नहीं बोलना यस यू कैन यूज़ माई पेन या यू मे यूज़ माई पेन, प्लीज़ आपको प्लीज़ बोलना है बस, वो हो गया कि हाँ आप कर सकते हैं। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब होता है सहमति जताना, निश्चित रूप से, है ना, सर्टेनली भी हम लोग लिखते हैं, सर्टेनली, निश्चित रूप से, बिल्कुल श्योर, है ना, ट्रू, सत्य, यानी जो आपने कहा ट्रू है। लोग बोलते नहीं है यार ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ट्रू, बस इतना हो गया, इसका मतलब आई एग्री विद यू, ऐसा। फिर अगला हो गया वेल डन, श्योर, जो मैंने बोला श्योर, निश्चित रूप से, आपने बोला भाई कि मे आई यूज़ योर पेन, आप बोलेंगे श्योर, इसका मतलब है निश्चित रूप से सहमति जता रहे हैं आप, तो आपको पूरा बोलने की आवश्यकता नहीं है कि यस यू मे यूज़ माई पेन, आप इतना बोलें श्योर, तो ये पूरा सेंटेंस काम करता है। इनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टार्टिंग में, कि कोई सीख रहा हो तो इन सब एक्सप्रेशन को भी सीखना चाहिए। अगला देखिए, पांचवा और आखिरी है, ऑन मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक्स हो जाती है, गलती हो जाती है, तो गलती व्यक्त करने के लिए आप इन एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। आपसे गलती हो गई तो आई एम सॉरी आप बोलते ही हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बोलते हैं, है ना, इट्स डन बाई मिस्टेक आप बोल देते हैं, आई एम सॉरी इट्स डन बाई मिस्टेक, गलती हो गई भाई, गलती से हो गया। आप ओ हो करके भी जो है गलतियाँ कर सकते, ओ मतलब कि गलती हो गई, इसका मतलब है गलती व्यक्त कर, ओ का मतलब कुछ आपसे गड़बड़ हो गया, समथिंग वेंट रॉन्ग विद यू, तो ऐसा आप लोग बोलेंगे ओ। ऊप्स, डबल ओ पी एस, ऊप्स का मतलब क्या होता है, ओफ, है ना, या ओफ ओ, हिंदी में क्या होता है ओफ ओ, उसको बोलते हैं ऊप्स, ऊप्स, ओफ ओ, ओफ ओ, इसका मतलब गड़बड़ हो गया यार, शिट, हम लोग बोलते हैं ना शिट, एस एच आई टी, शिट हो गया, फक होता है एफ यू सी के, फक लोग बोलते हैं शहरों में, शिट और फक बहुत ज़्यादा चल रहा है, बच्चे हर बात पर फक, ओ फक, ओ शिट, आपने देखा होगा, तो ये सब चीज़ें गलती करने पर हो जाता है। फिर अगला है माई गॉड, माई गॉड का मतलब भी कुछ गलती हो गया, माई गॉड, हे भगवान, मतलब बड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा। और अगला है नो, बोलते ना ओह नो, अ नो, ऐसा आपने देखा होगा, तो इस तरह से जो होता ना, इससे गलती व्यक्त करने में, ओह नो मतलब अरे नहीं है तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो एक सेंटेंस का काम कर जाते हैं पूरा, केवल आपको अपना रिएक्शन देना है। और इंग्लिश में बताऊँ आपको तो मैं सबसे सच्ची बात बता रहा हूँ कि जो भी इंग्लिश होती ना पूरा सेंटेंस नहीं बोला जाता, ये सारी इंग्लिश इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, है ना, अमेरिका में, इन सब जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत तगड़ा बोला जाता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने दिया आपसे, ये आपके लिए बहुत ही ट्रिकी काम करेगा। जैसे आपको कहना हुआ कि मुझे कहा गया है, तो बस इतना नहीं बोलना आपको आई हैव बीन टोल्ड, आई हैव बीन टोल्ड नहीं बोला गया,
जिसे बताया भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, आप आंसर क्या देंगे, आई हैव बीन टोल्ड टू डू सो, ऐसा करने के लिए मुझे कहा गया है। तो आप आई हैव बीन टोल्ड टू डू सो बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना बोल दीजिए बीन टोल्ड है ना। अब अगर आपने कोई बात मुझे बताई है और आप बता रहे यार आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू व्हाट आई हैव सेड, जो मैंने बोला है वो आपको मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे यस बीन टोल्ड, मतलब बताया है आपने, पहले ही बताया मुझे, ऑलरेडी बीन टोल्ड। तो आप छोटा छोटा एक्सप्रेशन बोलेंगे वही ज़्यादा काम करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, इन पर आपको ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन टैग्स हो गया, क्वेश्चन टैग्स वगैरह भी लगाते हैं हम लोग, कितना बढ़िया होता है टैग लाइन बोलने में कि इजंट इट, ऐसा है ना, क्वेश्चन जैसे करते हैं। तो शॉर्ट में जो बोला जाता है एक्सप्रेशन वाले, ये जो इंटरजेक्शन है ना, बड़े काम के हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे इंजॉय करेंगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर नेक्स्ट, अभी इसके बाद भी इस टाइप का बताने के लिए आपको। फिर इसके बाद में हम लोग चालू करेंगे बिल्कुल बिना ग्रामर के रूल के, बिना ग्रामर के प्रेशर के, फिर से एक बार हम चलते हैं अपने उस लाइन पर, मॉडल वर्ब पर। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कंजंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो ऑफलाइन में मैं सिखाता भी हूँ। तो ऑफलाइन में इतने सारे बच्चे हैं ना, उनको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से सिखाया जाता है, वही मैंने प्रक्रिया अपनाई है कि आप ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल तक बढ़ेंगे। तो बस आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ में। और आपको वादा करना पड़ेगा कि आप इस पर सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैंने बोला है केवल इतना करना, ओ माय गॉड, उसके बाद जो घटना घटी उसको अफर्मेटिव बनाना है, ओ माय गॉड आई डिड इट बैड, मैंने इसे बुरा कर दिया है ना, या आई डिड रॉन्ग, मैंने गलत कर दिया, ये समथिंग वेंट रॉन्ग विद हिम, मेरे साथ कुछ गलत हो गया। आपको कुछ भी बोलना, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, ओ माय गॉड इट इज़ सैड न्यूज़, ऐसा कुछ एक सेंटेंस बनाना इसके साथ में, ये तो मैंने बोला है ना, तो आप इसे सीख सकते हैं। इसे यहाँ पर सॉरी इसे बोला गया ग्रीप दुख में, मुझे दुख है ना उसके साथ जो कुछ हुआ, तो सो सॉरी है ना, टू हियर अबाउट हिम, ऐसा, या टू हियर अबाउट दैट, इस तरह से आप बोल सकते हो, सेंटेंस बनाइए इससे और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना ही करेंगे, इंग्लिश उसी पर डिपेंड है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।